नमस्कार, मैं न्यून सोचू आप सभी को आरंभभूमि समाचार में स्वागत करता हूं। सबसे पहले देश भर में जितने भी महिलाएं हैं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन बधाई देता हूं। इस वक्त मैं त्रिजनो पहुंचे हुए हूं, जो कि पश्चिम कामेंग जिले के अंतर्गत आते हैं और यहाँ अका रुसो समुदाय के लोग रहते हैं। और यहाँ की जो वुमेन है, यहाँ की महिलाएं जो है, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधरने वाले हैं सिक्स रीजनल बुरागंज के मनने विधायक श्रीमान कुमसे सिद्धिसो जी और सामान्य अतिथि के रूप में पधरने वाले हैं डॉक्टर ज्योति जुंगलू जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आइए हम इस कार्यक्रम तरफ नजर डालते हैं। सबको नमस्ते। सब लोग एक एक जला लीजिए ना। अम्मा आया दो जा सर, सर अब भी आइए। बागायो दाखे जो दावे वो मल है कमजोर से हारी है जग को रोशन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बल है कमजोर एन ऑनर टू वेलकम टुडेज चीफ गेस्ट श्री कुमसे सिद्धिसो ऑनरेबल MLA सिक्स्थ रीजन ऑफ बुरागांव कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम एडवाइजर टू मिनिस्टर फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज and also welcome to today guest of honor deemed smart, intelligent and beautiful, the lady, the legal lady advocate Jyoti Jongle Ju, Supreme Court of India. Welcome ma'am. Busso sani ochu anada nedu Busso mingi ochu anada nedu Busso sani ochu anada nedu Busso mingi ochu anada nedu मनाता है, बहुत पहले से सुनता था व्हेन आई वाज इन कॉलेज
कि यहाँ बहुत अच्छा से मनाया जाता है। तो आज जब यहाँ आया तो सीरियसली मैंने खुद विटनेस किया कि यहाँ सच में भी बहुत अच्छा से मनाता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो मेंस है, जो यहाँ पे सीनियर है, सब सपोर्ट देता है वुमेन्स को, देख के बहुत अच्छा लगा। नहीं तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि वुमेन्स डे है तो वुमेन्स डे वुमेन्स लोग ही होता है, बट आज यहाँ जब आया देखा सबका सपोर्ट और इतना सुंदर से मनाया तो बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हमारा यहाँ चेयरमैन सेक्रेटरी जितने भी जो सबोर्डिनेट जितने भी एजुकेटेड मेंबर्स है यहाँ का वुमेन्स जो ग्रुप है उन सभी लोगों के एक बार जोर से ताली लगा दीजिएगा। पिंच पिंच करके पंच पंच करके एक दिन हो दो दिन हो महीना हो साल हो हमारा जो माहौल का बता नहीं पाएगा, क्योंकि आज इन माहौल नहीं होगा, इस माता जी नहीं होगा, इस बहन दीदी माँ नहीं होगा, दुनिया चलेगा नहीं, बिल्कुल दुनिया चलेगा नहीं। इसलिए यहां में समझने के लिए, यहां में जानने के लिए और समझदार बन के काम करने के लिए जो सुनने वाला जो आया है वुमेन्स, जो कराने वाला और जो ऑर्गेनाइज करने वाला, उन लोगों का टीम, उन लोगों का तालमेल सचमुच का, जैसे यहाँ एंट्री होते ही जैसे यहाँ पधरते हुए हमारा साथ में आज उप मुख्य अतिथि का रूप में हमारा बहन, हमारा स्पेशल गेस्ट जितने भी जो साथ में जो आए हैं, हम सब देख के लगा है कि हमारा त्रिजिनो वुमेन्स, हमारा त्रिजिनो के जितने भी बहनें हैं, जितने भी माओ हैं और जितने भी दीदी है, जितने भी भाभी है, जितने भी बुआरी है, सचमुच का देखते 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 कभी कभी बहुत जोर से अपना आपको गर्व का महसूस होता है। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट ज्योति झुंझुनू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको स्वागत करते हैं आरएनबी चैनल में। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप इतना त्रिजिनों से इतना दूर भारत की जो राजधानी है दिल्ली से यहाँ इस कार्यक्रम को जुड़ने के लिए आया है, ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर आपको कैसे लगता है? ऐसे हमको पता चला कि हमारे जगह से हम मुझे बुला रहे इन वुमेन्स डे में, तो इसलिए अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ का जो डेकोरेशन सब कुछ अच्छा था और यहाँ का यूनिटी को, वुमेन्स यूनिटी को देख के बहुत अच्छा लगा। एंड प्लस इंटरनेशनल वुमेन्स डे को इतना सुंदर से मनाते हैं वुमेन यहाँ का जो त्रिजिनो वुमेन लोग, बहुत बार सुना था कि त्रिजिनो वुमेन लोग बहुत अच्छा से मनाते, आज विटनेस भी कर लिया, बहुत अच्छा लगा। ऐसी तरह मतलब ऐसा हमेशा मनाते रहना चाहिए, सिर्फ वुमेन्स डे में नहीं, हमेशा वुमेन्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए एवरी डे। आपसे जानना चाहूँगा जो अर्ली मैरिज जो होता है उसके ऊपर में सरकार जो है कानून बना दिया जाता है कि 18 साल से पहले शादी नहीं करना है, लेकिन कानून तो बना दिया जाता है लेकिन इम्प्लीमेंट होता है। हमारा ट्राइबल एरिया में क्या होता है कि 18 साल से पहले शादी कर लेते हैं, उनको ये पता है कि सरकार कुछ करेगा नहीं, कानून तो लागू होगा नहीं, तो जिसके चलते क्या होता है कि उसका जो नतीजा जो है बेड रिजल्ट जो बाद में सुनने को मिलता है, तो कानून बनाते हैं तो इम्प्लीमेंट किसी नहीं तो लागू किसी नहीं उसको तो बताते तो आप बोलिए उसके बारे में। नहीं, अगर अभी आप देखा जाए तो बहुत सारा जगहों पे अभी ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट अभी बहुत कम लोग है जो चाइल्ड मैरिज करता है, अभी नहीं होता है, बहुत कम होता है, शायद कुछ जगह में होता होगा जो हम लोग का नॉलेज में नहीं है। बट अभी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर सोसाइटी चाहे तो अगर गलत लग रहा है आगे वाला आदमी कि चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहिए तो वो चाहे तो जाके पुलिस में कंप्लेन दे सकता है और जो ICDS का है वहाँ जाके भी उन लोग कंप्लेन दे सकता है, वुमेन कमीशन में भी जाके और चाइल्ड राइट्स का जो है वो कमीशन को भी जाके आप कंप्लेन दे सकता है कि एक लड़की इतना छोटा उम्र में शादी करवा रहा है फैमिली वाला, या तो वो खुद से कर रहा है, सो देट उन लोग भी एक्शन ले। अगर सोसाइटी नहीं बोलेगा कि ऐसा ऐसा कोई कर रहा है तो कैसे पता चलेगा जो इनके लिए है, मतलब इनके लिए बना है, उन्हें तो पता नहीं चलेगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि चाइल्ड राइट्स कमीशन भी तो है, तो वहाँ जाके भी तो आपको ही बताना होगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब जाके उन लोग मना करेंगे, रुकाएंगे, तभी जाके ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि एक्शन नहीं लेते तो तब जाके बोलना है। हाँ, अगर एक्शन नहीं लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट को पता भी तो नहीं चलता है, पुलिस को भी पता नहीं चलता है कि ऐसा ऐसा कोई हो रहा है। अगर आप चुप बैठ जाते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर पता चल जाता है, ये आपको
बताना तो पड़ेगा कि यहाँ पे गलत हो रहे हैं, एक छोटा उम्र लड़की को शादी करा रहे हैं, चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं, विच इज अगेंस्ट द लॉ। तो आप अगर आप जब बताएंगे तभी तो वो जाके एक्शन लेंगे, तो वो एक्शन लेने के बाद में तो आप बोल सकते हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ है, तभी तो आपको पता चलेगा इम्प्लीमेंट हो रहा है ना नहीं हो रहा है। सो एज पर लॉ जो 18 ईयर्स से बिलो है वो माइनर माना जाता है, तो वो शादी को नहीं माना जाता है, वो इनलीगल मैरिज है। मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है कि एक समय हम लोग महिला को एडवाइस करने वाला भी कोई भी नहीं था, लेकिन आज का दिन में हमारा महिलाएं आगे बढ़ गया। और जो पिछले साल में जो भी जब भी हम लोग वुमेन्स डे मनाता था वो इस तरह इस प्रकार का जागरूक नहीं था, अभी धीरे धीरे दिन दिन हमारा महिलाएं आगे बढ़ रही है, यही देख के मेरा सबसे दिल संतोष है। एक समय में जो है चाइल्ड मैरिज फोर्स मैरिज चलता था, तो अभी मैं सोचता हूँ अभी हमारा अक्का समाज को ये चीज़ को अवॉइड होना है, वो चीज़ जो है अभी हम लोग जो है आगे, मैंने भाषण में भी वही बोला है, हमारा समाज जब मीटिंग बैठेगा इस समय में हमारा पेरेंट्स बॉडी को समाज को बोल के इसको जो हम लोग अवॉइड करना है हम लोग, और इसको आप तो जो भी शादी करेगा आफ्टर ग्रेजुएशन विद इन नो टाइम हम लोग एक मीटिंग बैठाएगा हमारा समाज में, और हमारा बेटा बेटी को कैसे आगे ले जाना चाहिए इस चीज़ को पेरेंट के साथ हम लोग मीटिंग करेंगे। वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्रीमान कुमसी सिदिसो जी, ऑनरेबल MLA 6 रीजनल परागा कंस्टिट्यूएंसी। आपको आरंभ में समाचार में स्वागत करते हैं। थैंक यू निगम भाई। सर, जिस तरह से आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, आप ऐसे चीफ गेस्ट कैसे लगते हैं? आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो आज यहाँ पर हमारा त्रिजिनो वुमेंस टीम लोगों ने मुझे बुलाया, वो यहाँ अटेंड किया। 2009 से हम यहाँ का इस क्षेत्र का विधायक बनने के बाद उस समय थोड़ा अलग से था, लेकिन आज का दिन में धीरे धीरे यहाँ का वुमेंस ही मतलब बोल के नहीं है, यहाँ इस क्षेत्र में जितने भी लोग भी जो बैठ रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट का दिशा में लोग का सोच विचार भी अच्छा हो रहा है, तो इसलिए इस यही चीज़ को देखते हुए इन सबको हमने यही बताया कि ये चीज़ को बरकरार रखना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने एग्री हो होटी हो, तो जिस तरह से यहाँ कुदरत ने भी इतना सुंदर जो जगह दिया है, इस जगह को उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर जगह जो दिया है यहाँ में, चाहे गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, कुछ भी कहीं भी जंगल साफ करके अगर उसको लगा देने से सुंदर से उगता है, तो उसी चीज़ को जो है हमारा चलता है LSM, तो उसका तरफ से भी जो शिकायत है बताया है, तो यही चीज़ को जो है हमारा यहाँ लोगों को जागरूक होना जरूरी है, यहाँ लोगों को ट्रेन देना जरूरी है, यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देना जरूरी है, तो वो चीज़ को आज हमने बोला कि बस्ती बस्ती जाके बस्ती बस्ती पहुँच कर इस चीज़ को ट्रेनिंग देना है, इसको जो है उन लोगों को वेल ट्रेन दे के उन लोग को ये चीज़ को काम करना है। सर, एक्चुअली मैं यहाँ आपका जो थ्री जिलों में है 6 तारीख को यहाँ पहुँच चुका था, क्योंकि प्रोग्राम जो है 8 तारीख को है, तो यहाँ का कुछ पब्लिक का ये कहना है कि यहाँ में बैंक नहीं है, जिसके चलते उसको काफ़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो सर आप उसका अपन क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ मेरा यहाँ 6th regional government मेरा समुदाय लोग को ये बताना चाहेगा, सबसे पहले मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा, जैसे हमारा रिक्वेस्ट हमारा जो चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को जो प्रस्ताव रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमारा यहाँ में 2 महीना पहले यूको बैंक उसको जो है अप्रूव करा के दे दिया, तो आप देख रहा हो जाते जाते भी खींच लीजिए, यहाँ में हमारा जैजी है लाचा सीधा सो मुमला में नौकरी करते हैं, उसका जो घर बना रहा है उसका घर में बनाएगा वो के डिसीजन देख के, तो यहाँ कुछ जल्द विद इन 3-4 मंथ्स के अंदर में यह हमारा यूको बैंक शुरू हो जाएगा। यहाँ से तेंगा बैंक भी बहुत दूर है, बलहूम बैंक बहुत दूर है, इसलिए वहाँ जाते जाते फिर उन लोग का जो है 5,000-3,000 खर्चा हो जाता है, जो गरीब लोगों के लिए 5,000 भी बहुत बड़ा होता है, 3,000 भी बहुत बड़ा होता है, 2,000 भी बहुत बड़ा होता है, तो उस चीज़ को ये पैसा को जो यहाँ बालकुंग जाना जरूरत नहीं, बुमला जाना जरूरत नहीं, टेंगा जाना जरूरत नहीं, हमारा यहाँ का लोग जो है पैसा यहाँ डालेगा, ताकि लोन भी यहाँ से लेगा, और जितना भी एग्री होटी में जो मदद आएगा लोन जो है यहाँ से ही होगा। कब तक हो जाएगा?
हम लोगों को तो थोड़ा पहले मेरा स्पीच यही बोल दिया, हमारा यहाँ का लोगों को हमने ये चीज़ें क्लियरिटी ये मैसेज दिया कि जितना जल्दी घर बनेगा उतना ही जल्दी ये बैंक आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है। इसलिए हम सरकार को भी मैं चीफ मिनिस्टर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी लास्ट ईयर जो हम लोग का नेचुरल फेस्टिवल हुआ था उस फेस्टिवल में आकर उन्होंने अनाउंस किया, फिर वापस किया, वापस आकर उसने अप्रूव करके दे दिया।